पीपल, हम भारत के लोग, समर संग। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। वे लोग जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम किसी भी समर संघ से या समाज से बड़े नहीं हैं, समर संघ और समाज हमारा सबसे बड़ा है और हमारा कोई ईगो और कोई हमारा अहम किसी भी तरह का हमारे अंदर नहीं है, वो सारे लोग यहाँ भारी पत्थर की तरह बैठ रहे हैं और जम रहे हैं। जो लोग यहाँ अपने उद्देश्य से आते हैं, जिनका अपना एजेंडा है, या जो अपने को समाज से ऊपर मानते हैं, संघ से ऊपर मानते हैं, वो लोग आते हैं और जैसे नदी में बहता हुआ कोई तिनका घास थोड़ा होता है और वो उथल पुथल मचाता है, कभी यहाँ टक्कर, कभी वहाँ टक्कर, और अंत में बहता हुआ निकल जाता है, वो लोग ऐसे ही निकल जाते हैं। कुछ उसमें बदमाश भी होते हैं। बदमाश कैसे होते हैं? वो यहाँ जो भारी लोग हैं उनको लगातार लगातार बरगलाते रहते हैं, उनके कान में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, हालांकि वो पत्थर हिलते नहीं क्योंकि भारी हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने छदम रूप अपनाया हुआ है, वो लोग यहाँ से फ़ोन नंबर लेते हैं, जानकारी लेते हैं, फिर अपने आप को कहते हैं कि हम वी द पीपल के मेंबर हैं, और उनके अपने एजेंडे हैं जो पॉलिटिकल हैं, जो उनके बिजनेस के हैं, जो उनके इंडिविजुअल हैं, सार्वजनिक नहीं है, पब्लिक नहीं है। ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम मुझे, जब मैं अपने पंजाब की एक यात्रा पर था तो मुझे बताया कि वी द पीपल के नाम से एक उत्तर प्रदेश का आदमी जो राजनीतिक है, जिसको वी द पीपल ने राजनीतिक काम करने से मना कर दिया और वो वी द पीपल छोड़ के चला गया, वहाँ वो वी द पीपल के नाम से मिलता है और वहाँ लोगों से बातचीत करता है। तो लोग बड़े नासमझ होते हैं कई बार, वो पूछते नहीं हैं, वो कहते हैं आपको वी द पीपल की मंच पर देखा, आपने वहाँ कार्यक्रम का संचालन भी किया, और वो वीडियोज उनको दिखाता है या फोटो खींच लेता है अपने मोबाइल से तो उनको दिखाता है, हम वीडियो डालते हैं, वीडियो दिखाता है, उनको यकीन हो जाता है क्योंकि वी द पीपल में जितने भी लोग हैं जो उसको चला रहे हैं वो सारे ही बहुत अच्छे लोग हैं, तो उनके यकीन और विश्वास पे वो विश्वास कर लेते हैं और पूछते नहीं हैं, काउंटर चेक नहीं करते। वो व्यक्ति वहाँ जाता है, ठहरता है, खाता है, पीता है और अपनी राजनीतिक इच्छा को बताता है, घुमा कर फिरा कर बताता है। ऐसे लोग बहुत सारे आएंगे जो अपनी राजनीतिक इच्छा, जो अपने आर्थिक इच्छा, जो अपनी कोई अलग तरह की इच्छा, अलग तरह का समूह संघ बनाने वाले हैं, तो सभी से एक निवेदन है कि वी द पीपल एक तो किसी से पैसे नहीं लेता, पब्लिक से पैसे नहीं लेता, तो अगर कोई पब्लिक का व्यक्ति से कोई पैसे ले तो उसके आप FIR करा सकते हैं, उसके कान पर दो खींच के मार सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, वी द पीपल पब्लिक से पैसे कभी नहीं लेगा। दूसरा, वी द पीपल में कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, यानी वी द पीपल कभी राजनीति में जाएगा भी नहीं, क्योंकि जितनी भी राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, वी द पीपल उनसे निवेदन करता है कि आप सब इकट्ठे होकर आइए और इस बार बैलेट पेपर लेके आइए, आप इकट्ठे होकर आएंगे तो वी द पीपल आपके पूरी तरह से विचार से संतुष्ट है और साथ है, क्योंकि वी द पीपल चाहता है कि समर समाज के सब लोग इकट्ठे होकर एक साथ आएँ। अगर ऐसा होता है तो वी द पीपल की ये पॉलिसी है, इसने वी द पीपल को जिंदगी में कभी भी अपनी पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वी द पीपल समर संघ है और संघ की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती, संघ का कोई व्यक्ति कभी लीडर नहीं होता, यानी वी द पीपल का कभी भी कोई एक व्यक्ति हेड नहीं बनेगा, कोई व्यक्ति की जागीर नहीं रहेगी, यहाँ व्यक्तिवाद नहीं रहेगा, संघ ही संघ का नेता होता है, यानी जो संघ है पूरा पूरा, जो समर संघ है उसमें जो डिसीजन होता है वो संघ ही करेगा और संघ जैसे चाहेगा वैसे होगा, जैसे संवैधानिक आधार पर होता है, जैसे बुद्ध का समर संघ होता था ठीक वैसे ही काम करेगा। तो यहाँ व्यक्ति कभी ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि बुद्ध भी समर संघ के अंदर थे, वो समर संघ के संघ नायक नहीं थे या संघ प्रधान नहीं थे। अभी तो बहुत सारे लोगों ने धर्मी लोग हैं वो भी अपने आप को संघ नायक और प्रधान और सचिव और जनरल सेक्रेटरी बना के संस्थाएँ बना के घूम रहे हैं, दरअसल वो धर्म को भी जानते नहीं हैं।
धम्म में कोई संस्था नहीं होती, धम्म कभी संघ कभी इस तरह की हरकत नहीं करता, और संघ का कोई अकाउंट भी नहीं होता। भगवान बुद्ध ने कोई अकाउंट नहीं खोला, और भगवान बुद्ध कोई सामान पैसा लेते भी नहीं थे। जो आता था वो जरूरत के आवास वो भिक्कू अलग से व्यवस्था चलाते थे, वो चलती रहती थी। खाना भी वो इतना ही लेते थे जितना उनको जरूरत उस दिन के लिए हो, वो कभी इकट्ठा नहीं करते थे। कभी भी भगवान बुद्ध ने खाना भी इकट्ठा नहीं किया। तो इसलिए ये समण संघ की और संघ की विदा पीपल की पॉलिसीज है, जिसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। और ऐसे लोगों से लगातार पूछते रहिए जो विदा पीपल के नाम से आते हैं, क्या विदा पीपल की विचारधारा उनको क्लियर है या नहीं है, या खाली एक दो दिन विदा पीपल में आए और उसके बाद विदा पीपल का नाम इस्तेमाल करके वो अपना काम कर रहे हैं। इससे सावधान रहिए और भी लोगों को सावधान करिए। रास्ता बड़ा लंबा है, बहुत सारे चोर गटकटे जेब कटे जेब कतरे आएंगे। ऐसे जेब कतरे चोर उठाई गिरे बहुत सारे हमेशा मिलते हैं। जब भी कोई अच्छा काम होता है सारे के सारे लोग उस अच्छे काम में जेब काटने के लिए गटकटे आ जाते हैं। वी द पीपल काफ़ी रिसर्च करने के बाद, पूर्वजों के सारे सारे जितने भी सिद्धांत उनको देखने के बाद में यहाँ लोगों ने जो समूह बनाया है ये विश्वास के काबिल है। इसको देखा जा सकता है, इसको समझा जा सकता है, इसमें काम किया जा सकता है, और अगर इसमें कमी कोई आती है तो उसको बताया जा सकता है। यहाँ हर व्यक्ति फ्री होता है इस बात के लिए। थोड़ा सा पेशेंस करें, थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा सा यहाँ आके देखें, सब अच्छा होगा, सब मंगलमय होगा। धन्यवाद। Sangam Sarnam.